कि परिवार के वो बच्चे विदेशों के जोड़े रोजी रोटी कमाने वास्ते गए से एजेंट की धोखाधड़ी करके उत्थे फसे बैठे ने। जोड़े बच्चे साढ़े लिबिया फसे ने उत्थे जोड़े साढ़े राजदूत ने उन्होंने गलबात करके उतों उन्होंने क्ढन की कोशिश करा उन्होंने भी अंदर कराने की कोशिश करा कि बाकी बच्चों के नाल इस तरह की धोखाधड़ी हो ना सके। मैं समझा कि दोनों सरकार जेकर जोर लाएंगियां तो वह बच्चों को सही सलामत ही वापस लाने में सफल हो जाएंगे। विदेश के मुंडे फस जाते हैं जोड़े जाते हैं रोजी रोटी के लिए, रोजी रोटी के लिए जाते हैं विदेश जाके फस जाते हैं। जो खबर जो नशर होती है तो राजनीतिक लीडर जोड़े ने उन्हें घर तक पहुँचते हैं तो उन्होंने सार लैण के लिए तो उसके नाल ही ट्वीट होंगे ने, ट्वीट किए जाते हैं चुने हुए MLA वालों भी कि जोड़े 12 जोड़े नौजवान फसे हुए हैं, 11 जोड़े पंजाब के ने, एक बिहार का है, जोड़े फसे हुए उन्होंने छुड़ाने के बच्चे ट्वीट की जाती है। कल खबर नशर होती हैं तो बाद राजनीतिक लीडर जोड़े ने इन्हों को आना शुरू कर हो जाते हैं। उस तो पहला सारी ली जाती किमें देखते हो श्री आनंदपुर साहब के 5 जोड़े मुंडे ने फसे हुए हैं विदेश में जाके। मैं समझा कि साढ़े इलाके की बड़ी मंदभागी घटना है कि परिवार के वो बच्चे विदेशों के जोड़े रोजी रोटी कमाने वास्ते गए से एजेंट की धोखाधड़ी करके उत्थे फसे बैठे ने। कल जो मीडिया वालों यह सारी खबर चलाई गई तो साढ़े भी ध्यान में आया, परिवार मैंबर अपने हिसाब के नाल लगे हुए सी कि ना कि भी डर सी कि जेडे बच्चे साढ़े बाहर आ जे असी रौला पाया उन्होंने कोई जानी नुकसान ना हो। कल मीडिया के राही सारे पंजाब दे विच खबर चली आ और मेरे तो बिल्कुल लंग मजारी गुआंढ विच आ। मैं सरपंच साहब ने राती गल की तो सरपंच साहब ने दसाया कि आ सारा सिस्टम इदा होया और बच्चे साढ़े उत्थे फसे पे ने। अज मैं परिवार के आन के बैठा है सारा इन्हों को सुनया है और मेरी हाईकमांड नाल भी गल इस विषय पर हुई है और असी दिलासा ये दे रहे इन्हों के केंद्र के लीडरशिप है श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी जिहड़े विदेश मंत्री ने साडे उन्हां दे भी संपर्क च असीं लिया के जिहड़े बच्चे साडे लिबिया च फसे ने उत्थे जिहड़े साडे राजदूत ने उन्हां नाल गलबात करके उत्थों उन्हां नूं कढ़न की कोशिश करांगे। इहदे नाल नाल जिहड़े एजेंट ने धोखा किया है अज मानयोग SSP साहब नाल भी हुणे मेरी गल हुई है उन्हां दे खिलाफ असीं परचा दर्ज करवा के 420 दा उन्होंने भी अंदर कराने की कोशिश करा कि ताकि बाकी बच्चों के नाल इस तरह की धोखाधड़ी हो ना सके। तुम BJP को रिप्रजेंट करते हो, पंजाब को रिप्रजेंट कर रहे हो, की लगता कि कल आप जो खबर नशर की खबर चलिया तो बड़े इल्जाम इन्होंने वालों लगाए गए कि जो हल्के का MLA कितने ना कि गैर हाजिर मौजूद पाया गया इन्हों की सार तक लैन नहीं आया कि तुम अच्छे पहुंचे हो BJP के वलों तो तुम कह रहे हो कि आप चलो गल करा सेंटर के भी गल करा पर मौजूदा MLA की कारगुजारी किस तरह देख रहे हो। देखो इस तरह है कि हलका विधायक क्यों नहीं आए ये तो उ दस सकते हैं, मैं तो इस बारे को नहीं दस सकता पर मैं समझा कि यह जिहड़ा परिवार को दुख आया है बच्चे उधर फसे ने राजनीति तो उपर उठ के पहल के आधार पर इन्हों बच्चों अपने घर वापस लिया मेरा भी फर्ज है तो हरजोत बैंस जी का भी फर्ज है। मैं मीडिया के माध्यम के राही मंत्री ने कैबिनेट मंत्री ने पंजाब बैठे उन्होंने भी बेनती करता कि राजनीति तो उपर उठ के इन बच्चों की सार ली जाए जो पंजाब सरकार कर सकती है वो अपने तौर पर वो करे हीला वसीला करे जो केंद्र सरकार कर सकती है बतौर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते और अपनी हाईकमान गल करके असं वो कर रहे हैं। मैं समझा कि दोनों सरकार जेकर जोर लाएंगियां तो वह बच्चों को सही सलामत ही वापस लिया सफल हो जाएंगे। प्रभाव साहब जो जो राजनीतिक पार्टियां जिहड़ियां आदि ने सत्ता के आदि ने गल लंबी नहीं करांगे छोटी गल दे विच मकावांगे जो सत्ता के आते हैं बड़े वादे किए जाते हैं कि पंजाब दे विच रुजगार भी मुहैया करावांगे पंजाब की जवानी जिहड़ी पंजाब दे विच रहेगी तो हुण जो पंजाब के नौजवान एक रोजी रोटी तलाश के बाहर जाते हैं वो बाहर फस जाते हैं। चाहिए यह थी कि वो उस वक्त जो पता लगता है कि साढ़े हल्के के जो नौजवान फसे हुए हैं हालांकि इतने दिनेश चड्ढा की आप गल करांगे उन्होंने बड़ा वधिया रोल निभाया पर जिहड़े ने हल्कियां दे जिहड़े इंचार्ज ने जां हल्के दे जिहड़े MLA ने उन्होंने नाल इन्हां दा रोस है की लगता है रोस जायज़ है जां नाजायज़ है इन्हां दा। देखो जो असीं अपने हल्के का कोई नुमाइंदा चुनते हैं तो सानूं बड़ी आस हुंदी है कि वह नुमाइंदा साढ़े दुख विच साढ़े सुख विच शामिल होएगा पर कई बार जो इस तरह की निराशा सामने आती है तो वर्कर के बहुत निराशा आती है। मैं अज फिर तुम्हें बेनती करदा कि अज का जो समा है किसी को राजनीतिक विरोधी ठहरा ये वो समा नहीं है। मेरा तो एक मकसद है कि किसी तरीके दे नाल चाहे वह हरजोत बैंस जी दे कोई उपराला हो जाए भगवंत मान जी का कोई उपराला हो जाए
ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਮਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਜੀ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ, ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਔਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਤੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੇਬਰ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ SSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 420 ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਹਾਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਭੈਣ ਮਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੋ ਅੰਬੈਸੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਡਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਡਵਾਲ ਜੋ BJP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਜਾਂ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ BJP ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ BJP ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਹ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਾ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਉਣ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਨ ਰੱਬ ਗਾਸੇ ਮਟੋਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ।